दोस्तों एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसको अगर कोई सनातनी ना देखे तो समझ लो उसने फिल्में नहीं देखी। कल्कि 2898 यानी कि बहुत आगे की फिल्म, एक हमारे भविष्य की फिल्म, भविष्य को दिखाती है। हमारे सनातन धर्म में कल्कि जो अवतार बताया गया है ये उस दौर की फिल्म हो सकती है जैसा कि इस फिल्म का नाम है और इसमें दिखाया गया है। हमारे पुराणों में ये भी कहा गया है जो हमारी काशी है वो मतलब भारत का या इस सभ्यता का सबसे पहला शहर माना गया था। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि ये इस सभ्यता का पहला शहर भी है और आखिरी भी वही बचा है। फिल्म में आपको मैड मैक्स फ्यूरी वाला कुछ रेफरेंस मिलेगा कि इसमें पानी की कमी है, एक बाउटी हंटर है जो लोगों को शिकार करता है। इस फिल्म में अश्वत्थामा जी की, जो कि अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर है, वो शायद उस पूरी पूरे शहर को या पूरी उस सभ्यता को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में है। हालांकि कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वहाँ पर बुरी शक्तियों का साया है। वो बुरी शक्तियाँ उस शहर को तबाह करना चाहती हैं, पूरा उथल पुथल करना चाहती हैं। बाद में एंट्री होती है कमल हासन की, जो शायद कुछ लोगों का मानना है कि वही कल्कि के अवतार में आएंगे। उनका एक संवाद आता है कि अब नया युग आने वाला है। बाकी कलाकारों में अगर मैं बात करूं तो प्रभास के साथ नज़र आए लीजेंड अभिनेता, बहुत ही कमाल के एक्टर अमिताभ बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, ब्रह्मानंदनम जो कि कमाल के अभिनेता हैं। इसके अलावा नज़र आए राजेंद्र प्रसाद, कमल हासन साहब का जो किरदार जैसा कि मैंने बताया बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त। नाग अश्विन ने इसको जो है बनाया है, 600 करोड़ का बजट है। VFX इतने कमाल के कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। दोस्तों अगर ये फिल्म, इसकी कहानी अच्छी निकली है, चल निकली, तो ये नया इतिहास रच देगी, ये नया अध्याय एक अपने भारतीय सिनेमा के लिए लिख देगी। ऐसी ये फिल्म बनाई गई है, बहुत ही उम्दा और अच्छी फिल्म। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग अगर देखने जाएंगे तो ये अच्छी बात होगी कि उतनी मेहनत के साथ इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनाई गई है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो देखिए, पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।